खबर बनखेड़ी से। हवन के धुएं से वायु और वातावरण होता है शुद्ध। बनखेड़ी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के निर्देशन में निराश्रित मानव यज्ञ टीम और जन अभियान परिषद नगर परिषद बनखेड़ी और एक अभियान प्रकृति के नाम संयुक्त रूप से संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज को अपने घरों में नित्य हवन करने और घरों में सामूहिक हवन कार्यक्रम का आग्रह समाज के हर वर्ग से किया, जिससे हमारे आसपास प्रदूषित वायु कोरोना वायरस से वायु शुद्धिकरण को लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा अलग जगाई। चलित हवन आज वार्ड नंबर 6 और 7 में संविदा कुंड को लेकर उसमें नीम पत्ती गूगल कपूर हवन सामग्री डालकर काली मंदिर से आवास कॉलोनी से होते हुए शासकीय अस्पताल बनखेड़ी और नगर परिषद बनखेड़ी तक चलित हवन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद CMO संतोष रघुवंशी शासकीय अस्पताल के BMO डॉक्टर जगबंधन सिंह परिहार द्वारा आहुति छोड़कर नगर के लोगों की स्वास्थ्य की कामना और समाजसेवी और भाजपा नेता संजय कुमार जैन उर्फ बंटी भैया ने लोगों को मास्क लगाने और सैनिटाइजर और कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में नगर के व्यापारियों द्वारा भी हवन सामग्री प्रदान की गई। नगर के लोगों ने भी आहुतियाँ छोड़ी। मध्य प्रदेश में एक अनूठा कार्यक्रम की बुद्धिजीवियों ने प्रशंसा की। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कोरोना समन्वयक लीलाधर मेहरा ब्लॉक समन्वयक ने बताया कि हवन करना सदियों पुराना है जो पर्यावरण को शुद्ध करता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के समाजसेवी वॉलंटियर कमलेश नामदेव जितेंद्र भार्गव दयाशंकर विश्वकर्मा सहित कोरोना वॉलंटियर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को CMO संतोष रघुवंशी द्वारा आभार व्यक्त किया गया और सभी वार्डों में वायु शुद्धिकरण चलित यज्ञ करने की बात कही गई। नगर परिषद बनखेड़ी और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा कोरोना वॉलेंटियर्स जो कि पूरे बनखेड़ी नगर में वायु शुद्धि के लिए और कोरोना की शांति के लिए चलित यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ के बहुत सारे महत्व हमारे वेद पुराणों में दिए हैं, जिसमें जो कुछ औषधियाँ होती गूगल है जो है, इसमें क्या क्या सामग्री मिलाए आपने? जो धूप गूगल उसके बाद में लोहान कपूर इत्यादि मिला के और भी सामग्री है हवन की जो मिला के चले हवन और क्या है लोगों को जागृत करने के लिए और वायु प्रदूषण के लिए। इसको प्रतिदिन किया जाता क्या? प्रतिदिन नहीं, पूरे वार्डों में बनखेड़ी नगर में ताकि अपने घरों में कम से कम 11-11 आहुति की वो छोड़ें, जिससे घर की शांति भी होगी और आसपास जो वातावरण में हानिकारक जीवाणु हो जो अदृश्य हैं जो दिख नहीं रहे हैं उनसे शुद्धि मिलती है। ये प्रमाणित है क्योंकि भोपाल में 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड जो एक गैस रिसीव हुई थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन उसी फैक्ट्री के पास में एक कुशवाहा परिवार था जो गायत्री यज्ञ रात भर करते रहे, उनके परिवार को कुछ नहीं हुआ। ये प्रमाणित है, नासा में भी है और सब जगह है। तो यज्ञ के वैज्ञानिक प्रभाव भी हैं और सामाजिक और धार्मिक सभी प्रकार से क्या है यज्ञ करने से। खबर भारतवर्ष के लिए बनखेड़ी से कमलेश नामदेव की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।